हेलो एवरी वन हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो टूडेज टॉपिक इज एच एस सी हिस्ट्रो सेल्फ आज का टॉपिक है एच एस जी हिस्ट्रो मीन्स यूट्रस सेल्फिनजो मीन्स फेलोपियन ट्यूब ग्राफी मीन्स टू स्टडी इस प्रोसीजर में यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब की स्टडी करने के लिए कॉन्ट्रास मीडिया को यूट्रस में इंजेक्ट करते हैं एच एक स्पेशल रेडियोग्राफिक प्रोसीजर है जिसमें हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ करते हैं रेडियोग्राफी क्या है इट इज़ अ अमेजिंग टेक्निक जिसमें एक्सरे का यूज़ करके ह्यूमन बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर की इमेजेस लेते हैं इसमें पेशेंट के पर्टिकुलर पार्ट part का एक्सरे लेने के लिए हम कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट नहीं करते हैं तो कॉन्ट्रास्ट का यूज़ किए बिना इसमें हम पेशेंट के पर्टिकुलर पार्ट part की एक्सरे इमेजेस लेते हैं और स्पेशल प्रोसीजर मीन्स जिसमें हम कॉन्ट्रास्ट का यूज़ करके पेशेंट के पर्टिकुलर पार्ट की एक्सरे इमेजेस लेते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ स्ट्रक्चर को एनहेंस करने के लिए करते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया इम्प्रूव करता है सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट को तो एच एस एक स्पेशल रेडियोग्राफिक प्रोसीजर है इस प्रोसीजर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं इसमें मेनली यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब की स्टडी करते हैं नाउ कम टू दॉट मी ओवरीज आर लोकेटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ़ यूट्रस यूट्रस के दोनों साइड पर ओवरीज लोकेटेड होती हैं ओवरीज़ कनेक्टेड होती हैं फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस पेयर सेफ्ड ऑर्गेन होता है जो कि फीमेल के पेल्विस में लोकेटेड होता है यूट्रस के तीन पार्ट होते हैं फंडस बॉडी सर्विक्स सर्विक्स ओपन होता है वेजाइना में फंडस कनेक्टेड होता है फेलोपियन ट्यूब से और फेलोपियन ट्यूब में एग फर्टिलाइज्ड होते हैं देन एग फर्टिलाइज्ड एग मूव करते हैं यूट्रस में और फिर ये यूट्रस की बॉल पर जाकर अटैच हो जाते हैं फिर ये फर्टिलाइज्ड एग एम्ब्रियो बनता है इनसे और ये डेवलप करते हैं फिटस को नाउ टॉक अबाउट द इंडिकेशन ऑफ एच एस जी सो लेट्स ए स्टार्ट विद द फर्स्ट इंडिकेशन विच इज़ इनफर्टिलिटी इन को देखने के लिए एच एस जी परफॉर्म करते हैं इनफर्टिलिटी क्या होती है अगर किसी पेशेंट की ट्यूब में ब्लॉकेज है तो वो पेशेंट कंसीव नहीं कर पाती है उस पेशेंट को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है तो उस पेशेंट को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ब्लॉकेज होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा फ़र्टिलाइजेशन के लिए ट्यूब ओपन होना चाहिए तो फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज को डायग्नोस करने के लिए परफॉर्म करते हैं दिस इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन Now come to the next indication, which is to demonstrate patency of fallopian tube. Fallopian tube की patency को देखने के लिए perform करते हैं. Patency means होता है कि fallopian tube block है या नहीं है उसको देखने के लिए. और fallopian tube peritoneal cavity के साथ communication को देखने के लिए perform करते हैं. कोज क्या हो सकते हैं ब्लॉकेज होने के लाइक like ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लॉकेज हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से भी ब्लॉक हो सकती है फ़ेम्रियल एडिशन की वजह से ब्लॉकेज हो सकती है फेमब्रियल एडिशन मीन्स होता है कि एबनॉर्मल वेंट्स ऑफ स्कार टिश्यू दैट ज्वाइंस द ऑर्गन टुगेदर दैट मीन्स स्कार टिश्यू मीन्स जो भी इंजर्ड टिश्यू हैं जब वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो उसकी वजह से ब्लॉकेज हो सकती है नेक्स्ट है ट्यूबल प्रेगनेंसी की वजह से भी ब्लॉकेज हो सकती है अगर कोई इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर तरीके से स्टराइल नहीं हुआ होगा तो अगर उस इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करते हैं तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होगा और उस इंफेक्शन की वजह से ब्लॉकेज हो सकती है नेक्स्ट है पेर टू आर्टिफिशियल इंसामिनेशन इंसैमिनेशन मीन्स होता है टेस्ट ट्यूब बेबी तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले एच करते हैं ट्यूब में ब्लॉकेज देखने के लिए नेक्स्ट है रिकरेंट अवोशन में भी परफॉर्म करते हैं एच को रिकरेंट अवोशन में परफॉर्म करते हैं कंजनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ को देखने के लिए यूटर्स की एच परफॉर्म करते हैं टू डिमॉन्सट्रेट एक्टॉपिक प्रगनेंसी एक्टॉपिक प्रग्नेंसी को देखने के लिए भी एच एस जी परफॉर्म करते हैं एक्टॉपिक प्रग्नेंसी में इसमें फर्टिलाइज एक्ट इम्प्लान होता है आउटसाइड द यूट्रस तो इसको देखने के लिए भी एच एस जी परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट इंडिकेशन है माइग्रेट आई यू सी डी आई यू सी डी मीन्स एंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आई यू सी डी टी सेप्ड बर्थ कंट्रोल डिवाइस है इसको यूट्रस में इंसर्ट करते हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए अगर आई अपनी जगह से माइग्रेट हो जाता है तो इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एच परफॉर्म करते हैं या कोई लीजन है या पॉलिप है तो उसको भी देखने के लिए एच परफॉर्म करते हैं पॉलिप्स मीन्स होता है कि एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ ऑन द म्यूकस मैमब्रेन म्यूकस मैम्ब्रेन पर एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ हो जाती है जैसे कि छाले हो जाना उस टाइप हो जाता है उसको पॉलिप्स बोलते हैं तो इस कंडीशन में भी एच परफॉर्म करते हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्ट्राइडिगेशन ऑफ एच एच एस डी प्रोसीजर कौन कौन सी कंडीशन में परफॉर्म नहीं करते हैं अगर किसी पेशेंट को एक्टिव पैल्विक इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में परफॉर्म नहीं करेंगे अगर किसी पेशेंट का रिसेंट डायलेशन वाला प्रोसीजर हुआ है तब भी प्रोसीज़र परफॉर्म नहीं करेंगे अगर किसी पेशेंट का इमीडिएट प्री एंड पोस्ट मैंसुरल फेज़ है तब भी नहीं परफॉर्म करते हैं क्योंकि टेंट डे रूल फॉलो करते हैं और अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है या किसी पेशेंट को सीवियर रिनल और कार्डियक डिसीज़ है तो इन कंडीशन में भी एच प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते हैं लेट मी टेल यू द इक्विपमेंट्स ऑफ एच कौन कौन से इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है नॉन आयनिक कॉन्ट्रास मीडिया फ्लोरोस्कोपिक यूनिट कैनुला लीच वल्किसम टेनाक्यूलम डायलेटर स्पेक्ुलम स् होल्डर गोज स्टराइल टावल एंटी सेप्टिक सोल्यूशन फॉलिसथेटर ये सारे इक्वमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एच एस डी प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए नाव लेट मी टेल यू द पेशेंट प्रपरेशन फ़ॉर एच एस डी हाउ टू प्रपेयर द पेशेंट फॉर एच एस डी एच एस डी के लिए पेशेंट को कैसे प्रपेयर करते हैं पेशेंट को सिक्स आर की फास्टिंग कराते हैं पेशेंट के सारे प्रीवियस रिकॉर्ड कलेक्ट करते हैं पेशेंट से एलएमपी पूछते हैं टेन डे रूल फॉलो करते हैं ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन पेशेंट को पूरा प्रोसीजर डिस्क्राइब करते हैं टेक्नोलॉजिस्ट पेशेंट से कंसेंट फॉर्म लेता है पेशेंट की परमिशन लेने के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल गाउन वेयर कराते हैं पेशेंट के आम में एंटावीनस लाइन इंसर्ट करते हैं अगर पेशेंट को एनजाइटी हो रही है तो उस कंडीशन में पेशेंट को सेडेटिव मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकें पेशेंट को प्री मेडिकेशन देते हैं अगर पेशेंट को ज़्यादा एनजाइटी हो रही है तो पेशेंट को फाइव से टेन एम जी आई वी डाइसिपाम दे देते हैं जिससे पेशेंट रिलैक्स हो जाता है उसकी सारी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं जब पेशेंट रिलैक्स हो जाएगा तो प्रोसीजर भी हम ईजली कर पाएंगे मॉर्फिन एंड पैथेडीन नहीं देते हैं क्योंकि ये क्या करती है ये मेडिसिन फैलोपियन ट्यूब में कॉन्ट्रैक्शन करेगी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट नहीं कर पाएंगे पेशेंट के ब्लडर को एम्पिटिक करवाना पड़ता है एच एस सी प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले अगर ब्लडर फुल होगा तो क्या होगा उसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब अपनी जगह से एलिवेटेड हो जाएगी दैट मीन्स ऊपर की साइड हो जाएगी जो कि किसका अपियरेंस देगा हाइड्रोसेल्फिंग्स का फैलोपियन ट्यूब में ऐसा लगेगा जैसे फ्लूट फिल्ड है इसलिए पेशेंट के ब्लडर को प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले एम्पटी करवाना पड़ता है That's all about for today. I think this video is useful for you. Thank you.